नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में, कौन सी खबर रही सुर्खियों में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रावण मास के प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। सीएम भूपेश बघेल ने महादेव भगवान शिव की आराधना के प्रतीक पवित्र श्रावण मास के पहले सोमवार की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। कहा, इस कोरोना आपदा के समय महादेव सदैव की भांति हम सबकी रक्षा करें। यात्री बसें शुरू, लेकिन सवारियों के अभाव में डीजल का खर्च भी नहीं निकल रहा। छत्तीसगढ़ में रविवार 5 जुलाई से यात्री बस सेवाएं शुरू कर दी गई है, लेकिन करीब 80% बस संचालकों को सवारी नहीं मिल पा रही है। यात्रियों की संख्या में कमी होने की वजह से बस संचालकों को डीजल खर्च निकालना भी मुश्किल हो गया है। कई स्थानों में केवल ड्राइवर और कंडक्टरों ने ही 110 किलोमीटर तक का सफर अकेले ही तय कर लिया। रायपुर में तकरीबन 100 बसें सड़कों पर दौड़ रही है, पर करीब 20 बसों को ही यात्री मिल पाई है। उरला इलाके में युवक ने फांसी लगाकर दी जान। राजधानी रायपुर के उरला थाने के नगर निगम बीर गांव के एक नौ युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मिली जानकारी के मुताबिक अभी आत्महत्या का कारण अज्ञात है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर विवेचना शुरू कर दिए और आगे की कार्यवाही जारी है। 7 लाख के करीब पहुंचा देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा, 20,000 के करीब मौत। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 24,248 नए केस सामने आए हैं और 425 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह जारी अपडेट के मुताबिक देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 6,97,413 है, जिसमें 19,693 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से अब तक 4,24,433 लोग ठीक हो चुके हैं। कुवैत करने जा रहा है बड़ा फैसला, 8 लाख भारतीयों पर संकट। कोरोना वायरस महामारी के बीच कुवैत एक ऐसा कानून लागू करने जा रहा है जिससे वहां काम कर रहे भारतीय बुरी तरह से प्रभावित होंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत की नेशनल असेंबली की कानूनी और विधायी समिति ने प्रवासी कोटा बिल के मसौदों को मंजूरी दे दी है, जिससे 8 लाख भारतीयों को कुवैत छोड़ना पड़ सकता है। अमेरिका से मिसाइल और लेजर गाइडेड बम से लैस ड्रोन खरीदने की तैयारी में भारत। LSA पर सेना की बढ़ेगी ताकत। पूर्वी लद्दाख में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के साथ लंबे समय से जारी गतिरोध के बीच भारत ने कम ऊंचाई पर अधिक देर तक उड़ान भरने वाली अमेरिकी सशस्त्र प्रीडेटर बी ड्रोन खरीदने में रुचि दिखाई है। यह ड्रोन न सिर्फ खुफिया जानकारी इकट्ठा करता है, बल्कि लक्ष्य का पता लगाकर उसे मिसाइल और लेजर गाइडेड बम से नष्ट कर देता है। केजरीवाल बोले, अस्पतालों में कम हो रही है कोरोना मरीजों की संख्या, अब 100 में से 11 लोगों का चल रहा इलाज। दिल्ली में जानलेवा कोरोना वायरस का कहर जारी है। राज्य में संक्रमण का फैलाव तेजी से हो रहा है। इसे देखते हुए प्रदेश के मुखिया अरविंद केजरीवाल आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस कड़ी में आज भी सीएम केजरीवाल ने जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि अस्पतालों में अब मरीजों की संख्या कम हो रही है। जून तक जहां 100 में से 35 लोग संक्रमित निकल रहे थे, वहीं अब 100 में से 11 लोग ही संक्रमित निकल रहे हैं। गलवान घाटी में चीनी सेना 1.5 किलोमीटर पीछे हटी। भारत और चीन सीमा विवाद के बीच बड़ी खबर आई है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीन ने 1.5 से 2 किलोमीटर तक अपने टेंट पीछे कर लिए हैं। ये टेंट चीन ने पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से पीछे किए हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 वही जगह से जहां 15-16 जून की दरमियानी रात भारत चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। चीन ने ये टेंट डिसएंगेजमेंट के तहत पीछे हटाए हैं। दोनों देशों की सेना में डिसएंगेजमेंट पर सहमति जताई है और सेनाएं मौजूदा स्थान से पीछे हटी है। इस डिसएंगेजमेंट के साथ ही भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच नियंत्रण रेखा पर बफर जोन बनाया गया है। सुशांत सिंह केस पूछताछ के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे संजय लीला भंसाली। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच तेज हो गई है। फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली अपना बयान दर्ज कराने के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुँच गए हैं। पुलिस ने पूछताछ के लिए संजय लीला भंसाली को बुलाया है। उनसे सुशांत सिंह राजपूत को ऑफर की गई फिल्मों के बारे में पूछताछ की जाएगी, जिस पर सुशांत और संजय लीला भंसाली के बीच बात नहीं बन पाई थी। BCCI अपेक्स काउंसिल की बैठक 17 जुलाई को।
एफटीपी और घरेलू सत्र पर होगी चर्चा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के शीर्ष परिषद की 17 जुलाई को होने वाली चौथी बैठक में भारत के संशोधित भविष्य के दौरा कार्यक्रम और घरेलू सत्र को अंतिम रूप देने की चर्चा होगी। 9 सदस्यीय परिषद की बैठक में आईपीएल में चीनी प्रायोजन से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाली वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।